पर खेतों में, और मेरे साथ राकेश भाई और हम इंजॉय कर रहे हैं ब्यूटीफुल मौसम का। और ये देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है और माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, के जो आप सिटी लाइफ काफ़ी बिजी लाइफ होती है, हर वक्त जो है शोर होता है ट्रैफिक का, वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ही शांति है जब आप जाते हो यहाँ पर। कुछ नहीं सुनाई देता है, व्हीकल ये सब शोर वगैरह नॉइस नहीं है, बस नेचर है, मदर नेचर है, हवा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है गाँव का। और इसीलिए ही जो लोग हैं शहर से गांव की तरफ, जब वो जॉब करने के लिए हालांकि जाना पड़ता है बिग सिटीज़ पे, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है गांव के पास, पर जब भी आप यहां पर आते हो तो दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। आज आए हुए हम गांव में और घूम रहे हैं, और मेरी मुलाकात हो गई है यहां पर गांव के कुछ बच्चों से जो इस नाइस वेदर का एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको उनसे। जी हां, राम राम भाई, राम राम भाई सारे राम राम। ये राम राम बोल रहे हैं और आइए सुनाइए अपना, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अरमान। अरमान है? और मेरा नाम दीपांशु। दीपांशु। मेरा नाम गोलू। तो अरमान, दीपांशु और गोलू, और आपका नाम? मेरा नाम हरिओम है भाई। हरिओम है। तो ये जो है नाइस वेदर है, इसमें स्कूटी चला रहे हैं गांव में और बहुत ही ज़्यादा मजे ले रहे हैं बच्चे। तो अभी आप क्या करके आए हो? अभी हम नहा के आए हैं और इंजॉय करके आए हैं। नहीं नहीं बच्चे, स्विमिंग पूल से भी ज़्यादा एंजॉय करके आए। चलो बढ़िया, तो इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा है। और आप भी गांव में ज़रूर आइए, एंजॉय करिए अपनी फैमिली। ठीक है। और ये कुछ नए बच्चे आ गए हैं। चलो ठीक है भाई, चला चलाएंगे। और हम आज नहाने जा रहे हैं ट्यूबवेल के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा फन है। और आइए आप भी मेरे साथ नहाइए और आनंद लीजिए। मेरे साथ नहा सकते हैं, ये लीजिए। हम एक साथ जो है डुबकी लगाते हैं, और एक दो, और ये कैसा लगा आपको? Hello guys. Hi everybody. Hi.
Thank you.